एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड आफ्टरनून अभी, क्योंकि अभी 2:10 हो चुके हैं और प्रीति को मैंने हेयर कट कर दिया और मैंने भी किया है, देखिए सामने का थोड़ा सा, क्योंकि वो पार्लर अभी बंद है। बस तुम्हें चान को ना डाले नहीं है ना, और क्या करूंगी, अभी लॉकडाउन के समय है तो पार्लर बंद है, तो हम दोनों ही घर में ही हेयर कटिंग किया। मैंने सामने का थोड़ा सा मैंने किया और प्रीति को भी कर दिया लेयर में। और बस अभी 2 बज गए हैं, मम्मी का खाना बनाना हो चुका है। आज मम्मी ने बनाया है चिकन कोशा दाल और करेला आलू की एक भाजी, उसके साथ आम चटनी और क्या पता नहीं। मम्मी हमेशा कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, एक सब्जी से मम्मी का काम नहीं चलता है। तो एनीवे आज बहुत गर्मी है, आज है मेरे यहाँ पर तीसरे दिन, नहीं जामा षष्ठी पौड़े दिन कल कैसे जो मैं कल आई थी और आज नेक्स्ट डे, तो आज मैं घर जाऊंगी शाम को, एक और पे छोड़ने के शाम को घर चली जाऊंगी। और इतना गर्मी है क्या बताऊं, आप मेरे स्वेटिंग से समझ सकते हैं, ये जो ग्लोजी हो रहे हैं मेरे फेस, ये ग्लोजी नहीं है, ये स्वेटिंग है पूरा, इतना गर्मी है क्या बताऊं। सुमित आ जाए उसके बाद लंच करूंगी। सुबह हमने ब्रेकफास्ट में खाए थे पूरी और आलू की सब्जी, और सुमित खाया था एक भोज और क्या बैगन फ्राई, बैगन उसका फेवरेट है। पीके कैसा बना लिया तू अपना बाल क्या और भल लगे नहीं तो चलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, लंच कर लू उसके बाद और कहना चाहिए ना टंग स्लिप हो पता नहीं। और आज कल की बार संडे सैटरडे, आज है सैटरडे और 30 तारीख मई मासे 30 तारीख देख तही तो आज है सैटरडे, कल संडे है और शाम के बाद घर चली जाऊंगी। शाम के वक्त पता नहीं, शाम के वक्त जाऊंगी या लंच करने के बाद जाऊंगी ये पता नहीं है, सुमित आ जाए उसके बाद ही पता चलेगा कब जाऊंगी घर। लेकिन मम्मी बोल रहे आज भी रुक जाओ, मैं जब भी आती हूँ रुकने के लिए कहा जाता है, लेकिन नहीं, ज्यादा दिन रुकने से घर का भी कुछ हाल ठीक नहीं है। तो एनीवे सब बातें छोड़कर, तो चलिए मैं आपसे कुछ देर के बाद मिलती हूँ। और हम दोनों ने हेयर कट किया, जब भी करती हूँ हेयर कट फिर एक चीज नोटिस कर चीज जखनी हमने चूल काटी दोनों एक साथ एक चूल काटे एक ही है, तो कुछ इस तरह से मैंने हेयर कट किया। आई होप अच्छा लग रहा है अभी फेस थोड़ा सा कुछ अलग करने से। और मैं कभी भी थ्रेडिंग नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैंने खुद थ्रेडिंग किया है अपने हाथों से। हाँ, घर में ही सब कुछ चल रहा है, पार्लर सब कुछ घर में ही खोल लिया मैंने। और चलिए मैं आपसे बाद में। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी दोपहर या शाम बोल सकते हैं, अभी 4:15 हो चुका है, आज मेरा घर में लास्ट डे है, तो थोड़ा सा फन थोड़ा सा मस्ती चल रहा है और हम लोगों का लंच भी हो चुका है। अभी हम दोनों चिल कर रहे हैं थोड़ा, और ये आपको चूड़ी दिखाने की कोशिश कर रहा है कब से और हम दोनों बहुत सारे पिक्चर क्लिक किए हैं, इधर देखेंगे कौन सा सारे का पेरिंग पिंक ओ अच्छा ये वाला ये कहाँ से लिया था तुमने लास्ट फैक्ट्री से अभी हम दोनों नहीं सोए हैं, लंच करने के बाद थोड़ा सा बैठी हैं फर्श पर, मुझे ज्यादा फर्श पसंद है। छिलका तो दिखा दे रहा हूँ।
दिल कटा बढ़ रही है। चिकन बहुत अच्छा बना था, मम्मी ने बहुत अच्छा बनाया था। चिकन बना था, दाल बना था, दाल दो तरह के दाल बना था, एक था लौकी देकर दाल बनाया था और एक मसूर का दाल बना था। और उसमें उसके बाद करेला आलू फ्राई हुआ था, भिंडी फ्राई हुआ था, चिकन कोशा और कुछ नहीं, और मीठा दही, खट्टा दही भी था लेकिन हमने मीठा दही खाया। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स अभी भी आ रहा है, मैंने नहीं खाया, अभी खाया थोड़ा सा। प्रीति को एक बात बोल रही थी कि तू भी एक अपना यूट्यूब पर एक चैनल खोल ले, तू तो अभी बहुत सी जगह घूमने जाती है, तू वीडियो शूट करके अपलोड करते रहना, अच्छा होगा। वो मैं कब से बोल रही हूँ, एक साल हो गया है बोलते बोलते, इसने सुनना मेरे बात, मेरी बातें को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, मैंने इसे बताना भी इग्नोर कर दिया। ऐसे खुले थे तो बहुत अपलोड कर दी थी, एक्चुअली खुले थे वो। चलिए सच में खोल देते हैं, फोन था ये जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन में टूटा हुआ, इसका एक स्टोरी है। कैसे टूटा है ना, बहुत मिस्ट्री, बहुत बड़ा मिस्ट्री है, वो भी सुमित के बारे में ही है। इसे मेंशन अभी नहीं करूंगी बाद में, लाइफ में कभी मौका मिले नहीं हुआ था फोन, 6 मंथ नहीं हुआ, नया वाला फोन था इसका। और कुछ दिन लाइफ में कभी मौका आएगा तो मैं डिटेल में आपको कल बताऊंगी इसके बारे में, फोन के बारे में कैसे टूटा, क्या हुआ, वाला बंदा वाला सुमित का क्या लग रहा था, सब कुछ। लाइफ में कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगी, सबको सामने बैठा के, ये नहीं कि आप सोचे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो चलिए बाद में मिलते हैं, बाय। ये देखिए इस तरफ से सूरज डूब रहे हैं, डूबा नहीं है लेकिन क्या बोलते इसको, बादल। और इस तरफ का बादल देखिए पूरा काला हो चुका है, तूफान आने वाले हैं। ये देखिए इस तरफ घना बादल, घना काला बादल, दोड़ी तो मिल रही। तो फ्रेंड मैं इतना गर्मी है, इतना क्या बताऊं कि पसीना से लोथपोथ हो चुकी थी, फिर मैं जाकर फिर नहा कर आई हूँ। नहा के आने के बाद 10 मिनट के बाद देखा बाहर कितना जोर से हवा दे रहे हैं, तो फिर सुमित ने बोला शायद तूफान आने वाला है, सुमित गया काम पर। सुमित फिर बोला बाबू तूफान आने वाला है, मैंने सोचा हाँ अभी नहीं, लेकिन बाहर छत पे आने के बाद देखा, देखिए कितना खाना काला हो गया, तो चुलावर मुकेश से नाम चुलावर मुकेश तो मर चुके। तो बस नहाने के बाद इतना अच्छा से हवा मिल रहा है, फिट काले ही हो ना बाबा। কেটে যাবে হাওয়া তো মনে হয় কেটে যাবে, ওদিকের আকাশটা কি সুন্দর লাগছে না, কটন ক্যান্ডির মতো। আপনি পেড় কা ইয়ে দেখিয়ে ফ্রেন্ড, আমাদের এখানে কিন্তু নেই, দেখো ওদিকটা পুরো অন্ধকার হয়ে এসছে, इस तरफ रोशनी है और इस तरफ देखिए पूरा अंधेरा हो। घर जाने का तैयार हो रही हूँ और अभी रात के बज रहे हैं 9:10 लागे दीचर मत धोरे नहीं चल घोड़े दाम। तो फ्रेंड रेडी हो चुकी हूँ, प्रीति टाटा कर दे, বাই বাই, গুড নাইট। তুমি টাটা করবে না, তুমি তো যাবে আমার সাথে। মম্মি প্যাকিং চল রহা হ্যায়, তো চলিয়ে মে ইস ব্লগ কো মেরে মাইকে ওয়ালে ব্লগ কো ইহীঁ পে দি এন্ড করতি হুঁ। আই হোপ আজ কা ব্লগ আপ সবনে এনজয় কিয়া হোগা, আগর থোড়া সা ভি আচ্ছা লাগে তো প্লিজ লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কর লেনা, আর মেরে মুহ পর আপ মাস্ক হো গয়া হ্যায়। সবি টাটা। चलिए बाय।